हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि इस बार 10th क्लास का जो फाइनल टर्म है उसमें भी ये चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूडेड है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन दिए रहते हैं, बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही इजी और बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। हम अपने एक वीडियो में तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हाँ, हमारा जो भी 2 या 3 या 4 वीडियो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा, अगर आप पूरा का पूरा वीडियो हमारा देखते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको 100 तो नहीं 99% तक आपका कॉन्सेप्ट और आपका जो मन में डाउट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, वो सारा का सारा हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझते हैं सबसे पहले कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसके डिटेल बेसिक नॉलेज के बारे में, और फिर हम बात करेंगे आगे कि ये कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, ये सब कुछ। तो शुरुआत करते हैं पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोस्तों हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बोलते हैं हिंदी में इसको, और इंग्लिश में इसी को बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विघात, घात का मतलब तो आप लोग समझते होंगे पावर, और द्वि का मतलब होता है दो, यानी कि दो पावर वाला इक्वेशन हम ये भी कह सकते हैं। वैसे सीबीएसई वाले बच्चे द्विघात नाम से शायद परिचित ना हो, लेकिन क्वाड्रेटिक नाम से परिचित है। तो क्वाड का मतलब भी डबल से होता है, मतलब जिसका पावर दो हो। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए, लीनियर इक्वेशन हम लोग पहले से पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और पहले 7वें 8वें से भी पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे। तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है, ये भी थोड़ा हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि आखिर इक्वेशन क्या है सर, इक्वेशन किसको बोलते हैं। देखिए बच्चों, इक्वेशन को तो हिंदी में हम लोग समीकरण बोलते हैं, आखिर समीकरण क्या है? आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम लोग सुनते हैं कि दो दोस्तों के बीच, आप लोग सुने होंगे कि भाई इन दोनों के बीच का समीकरण ठीक नहीं बैठ रहा है। समीकरण ठीक नहीं बैठ रहा है मतलब कि तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। वो जो तालमेल दो दोस्तों के बीच बराबर होना चाहिए था, वो बराबर नहीं रह रहा है। किसी का मर्जी से कोई और राजी नहीं हो रहा है, एक दोस्त जो है कुछ बात और बोल रहा है, दूसरा दोस्त उस बात से एग्री नहीं कर रहा हो, और ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं तो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि उनके बीच का समीकरण कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो समीकरण का मतलब आखिर क्या हुआ मैथमेटिकली? देखिए, समीकरण के दो पक्ष होते हैं, यानी दो साइड होते हैं, एक LHS जिसको बोलते हैं बायां पक्ष, और एक बोलते हैं RHS यानी कि दाहिना पक्ष। इस तरीके से जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा रहे तो हम लोग बोलते हैं समीकरण, मतलब लेफ्ट साइड कुछ हो और राइट साइड भी कुछ हो, और जो हम काम यहां करें वो भी काम यहां करना पड़े, तो इसको बोलते हैं समीकरण। जैसे आप यहां कुछ घटा रहे हैं तो उतना ही यहाँ घटाना पड़ेगा, अगर आप इस साइड कुछ जोड़ रहे हैं तो सेम चीज उधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसी को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, मतलब कि आप यहाँ घटाएं तो यहाँ भी घटाना होगा, तभी ये बराबर रहेगा, इक्वल का साइन रहेगा। आप यहाँ कुछ बढ़ा रहे हों तो यहाँ भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये इक्वल का साइन यहाँ इसको फॉलो करेगा। तो ये इक्वेशन है, इससे आप लोग भली भांति पहले भी परिचित हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन क्या है, तब आते हैं हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, और हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी आपको दिखाएंगे कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
टेंथ क्लास में ये पढ़ना है, वैसे तो नाइन्थ क्लास में ही पढ़ना है लेकिन नाइन्थ क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, टेंथ क्लास में डीपली ये चैप्टर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहाँ पर बच्चे इक्वेशन देखते होंगे तो ये इस टाइप में रहता होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन दिया रहता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है, दो इक्वेशन इस तरह से रहता है x और y के टर्म में, और इसको फिर जब हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू फाइंड करते हैं और y का वैल्यू फाइंड करते हैं इस तरह से। तो इस इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल आपका x और y है वहाँ डिग्री 1 है, यानी कि पावर क्या है 1 है। और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो दो इक्वेशन है तो दो लाइन खींचना जाएगा और दोनों स्ट्रेट लाइन होगा, जहां कटेगा वहां सॉल्यूशन निकलता है। तो बात यह है कि जब आप लीनियर इक्वेशन से ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता है हमें, जब आप लीनियर इक्वेशन से ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और चूंकि यहाँ दो दो वेरिएबल है तो जो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन कट करते हैं वहां से x और y का हम लोग रिजल्ट फाइंड करते हैं। ये होता है लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, यानी लीनियर इक्वेशन से आप जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। वो स्ट्रेट लाइन कट भी कर सकता है, एक दूसरे पर से भी गुजर सकता है या नहीं भी कट कर सकता है, ये अलग अलग कंडीशन है। फिर ज़्यादा अगर लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाने आए हैं, समय हम लोग का ज़्यादा किल होगा। अभी इतना बस दिमाग में ये रखना है कि लीनियर इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें ग्राफ जो प्लॉट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन होता है, और इसमें जो डिग्री होता है वेरिएबल पर वो 1 होता है, यानी पावर 1 होता है। इतना लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग दिमाग में रखकर चल रहे हैं। अब है पॉलिनोमियल भी हम लोग पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल में हम यही पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर कोई कहता है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो हम वैसा पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसका डिग्री 2, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। डिग्री किसको बोल रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया गया हो, जैसे इस पॉलिनोमियल में हम x को वेरिएबल के रूप में यूज किए हैं, तो उस वेरिएबल पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वही उसका डिग्री कहलाता है, यही हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो इसका डिग्री 2 हो, इसलिए ये कहला रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसका हाईएस्ट पावर 3 होता तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, क्योंकि इसका डिग्री 3 है, 3 है। तो डिग्री 2 वाले यानी एक्स के पावर हाईएस्ट पावर 2 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो अब पॉलिनोमियल के जगह हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, और इक्वेशन में एक ही पक्ष नहीं दो दो पक्ष होते हैं। तो हम यहाँ इसके LHS में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है और यहाँ 0 दे दें तो अब तैयार है हमारा दोनों पक्ष, और अब इसको हम पॉलिनोमियल ना बोलकर अब हम लोग इसको बोलेंगे इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या नेसेसरी बातें हैं और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उससे बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो वो इस फॉर्म को फॉलो करेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहली बात ये होगी कि उसमें जो भी वेरिएबल हो, जैसे यहाँ x है, y भी हो सकता है,
जेड भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जो भी वेरिएबल यूज किया गया हो, जैसे यहां एक्स यूज किया गया है, तो इसका हाईएस्ट पावर ये 2 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यही बोल रहा है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें एक्स का हाईएस्ट पावर 2 ही होगा। अगर नहीं है, कम है या फिर ज्यादा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। हम एग्जांपल के साथ ये दिखाएंगे कि कब नहीं होगा, कब होगा। फिलहाल ये जान लेते हैं कि ए बी सी क्या है। इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। हम लोग जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो एक्स है, यानी ये क्या है, अननोन क्वांटिटी है। इसी का वैल्यू फाइंड आउट करने को आता है। ए बी सी ये क्या है, नोन क्वांटिटी है, यानी नॉन वेरिएबल है, नॉन क्वांटिटी है, या रियल नंबर से बोल दीजिए, रियल नंबर से माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स ए बी सी होंगे। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ए इज नेवर इक्वल टू जीरो। ये बातें हैं, इतना स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। वेरिएबल एक्स के अलावा वाई भी हो सकता है, यहाँ अगर वाई है तो यहाँ भी वाई होगा, यहाँ जेड है तो यहाँ भी जेड होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशन में अगर टू वेरिएबल होगा तो दो दो इक्वेशन दिया रहता है और दो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, एक्स और वाई देखे थे हम लोग अभी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक ही वेरिएबल यूज करेंगे, आइदर एक्स, आइदर वाई, आइदर जेड, आइदर एस, आइदर टी, एनीथिंग, एक ही वेरिएबल होगा। उस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 होगा, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक, द्विघात। द्विघात का मतलब ही हुआ पावर 2, ये होना चाहिए। और तीसरा जो बात है कि ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर ए का वैल्यू, ए कोफिशियंट है, ए क्या है, यहां पर हमारा, इधर समझते हैं, यहां पर हमारा ए जो है वो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, मतलब एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में है। बी क्या है, बी है कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी हमारा क्या है, एक्स के बगल में है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई है। सी क्या है, कोई रियल नंबर है, ये है। तो अगर किसी इक्वेशन में ये हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए अगर जीरो हो जाए, तो हमने क्या बोला, ए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, और ए का वैल्यू जीरो करते हैं, दैट मीन्स यहां जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं, तो जीरो जैसे ही करेंगे तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर कोई भी रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जीरो बच गया सिर्फ बी एक्स प्लस सी। तो फिर तो यहाँ इसमें से, इस इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर का टर्म हट गया, इस इक्वेशन में से क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर का टर्म हट गया। अब एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है यहाँ, तो ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, है ना। हमारे कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, आपने ए के जगह पर जीरो पुट किया तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये सारा का सारा हमारा टर्म जीरो में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास बचा सिर्फ बी एक्स प्लस सी। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ एक्स का हाइएस्ट पावर 1 है और 1 पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं शो करता है, क्योंकि द्विघात समीकरण में पावर हमारा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये पहचान है। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए, एक ही वेरिएबल यूज होने चाहिए। इतना हम लोग समझ गए, आइए और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। पहले हम ये सोचें
कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला बात जो ध्यान में आएगा कि क्या इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो हाँ है, एक्स स्क्वायर ही सबसे बड़ा पावर है एक्स का, उसके बाद एक्स का पावर 1 है, और फिर एक्स का पावर यहाँ क्या है बच्चों, ज़रा बताइए आप। कह तो देते हैं, जैसे किसी ने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आप लिखते हैं सर, तो एक्स का पावर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1, फिर यहाँ एक्स है ही नहीं, यहाँ तो होना चाहिए था एक्स का पावर 0, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 फिर आना चाहिए था, तो भी सही है ना, क्योंकि एक्स पर पावर 0 एनीथिंग पर पावर 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1, ये आप लोग जानते होंगे कि किसी पर पावर 0 कर दे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। b पर पावर 0 1, c पर पावर 0 1, 4 पर पावर 0 1, एनीथिंग पर पावर 0 1, तो यहां x पर पावर 0 है, दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 है, और 1 से फिर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा, रिपीट होगा, जैसे c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c ही रह जाएगा, इसलिए हम यहाँ x का टर्म लिखते ही नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बाकी हम लोग दिमाग में बात रखे हैं कि हाँ x का पावर 0 है। चलिए, तो अब यहां जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए क्या है यहां, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, बी क्या है -3। ये ध्यान देने वाली बात है कि कितने बच्चे यहां सिर्फ 3 लिख देते हैं कि सर एक्स के बगल में तो 3 है ना, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं सर, आपने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां तो ए है सर, लेकिन यहां प्लस की जगह माइनस है, तो देखिए ये प्लस की जगह माइनस नहीं है बल्कि यहां प्लस है लेकिन यहां -3 है, तो चूंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है इसलिए हम यहां पर सिर्फ क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, तो प्लस तो था, कोफिशियंट क्या था बी के जगह पर, -3 था, तो उस प्लस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई की तो माइनस हुआ, इसलिए यहां माइनस लिखा, तो बी का वैल्यू यहां 3 लिखना गलत होगा, क्या लिखेंगे -3, सी का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, -x² +7/2x -1 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 है, यहां a का वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां कुछ नहीं तो 1 समझते हैं तो -1 है, b का वैल्यू कितना है 7/2 है, और c का वैल्यू कितना है -1, इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा दे दिया गया x² - 3x + 2 इज इक्वल टू x² + 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म यहां है, हाईएस्ट पावर है, लेकिन इधर भी हमारा एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो ये एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा, गौर कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो -x², फिर -3x पहले से है +2 = 1, तो ये -x² और +x² कैंसिल हो जाएगा, तो -3x + 2 = 1, यानी माइनस इसमें से क्या हो गया, इसमें से एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही हमारा अब नहीं रहा, एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें नहीं रहा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो सकता है, तो कहीं कहीं ये भी चीज़ दिया रहता है, यहाँ भी हम लोग ध्यान देंगे इन चीज़ों पर कि एक्स स्क्वायर कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, x + 1/x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं,
ये भी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आगे, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक्स का एलसीएम लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, ये वन और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स के साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जीरो ही हो जाएगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री एक्स और ये जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा जीरो इंटू एक्स। इसको हम लोग सजा कर लिख दें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला टर्म प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है। इस तरीके का भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा, दिया रहेगा बुक में भी, आपको ये देखना है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हर क्वेश्चन आपको देखकर डायरेक्ट ये पता नहीं चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो कहीं कहीं आप इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। चलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खासियत ये है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग क्या देख रहे थे कि दो चीजें नहीं पता होती थीं और दो चीजों को पता करने के लिए हम लोग दो इक्वेशन तैयार करते थे और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे, दोनों अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसमें एक ही वेरिएबल है, यानी आपको एक चीज ही नहीं पता रहेगा और उसके आधार पर आपको दूसरा चीज पता करके इक्वेशन सेट करके सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि कोई किसी ने बोला भाई एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ ब्रेथ से 5 ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर लेंथ जो है, ये जो लेंथ है बच्चों ये इस ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम ब्रेथ को अगर एक्स बोलते हैं तो हमारा लेंथ कितना होगा, एक्स प्लस 5 और फिर एरिया दिया रहेगा समथिंग, एरिया दिया हुआ है 400 या फिर कुछ भी। तो हम ब्रेथ यहाँ क्या कर दिए, एक्स है, लेंथ क्या कर लिए, एक्स प्लस 5 है, तो हमारा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 400 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 400, हम ऐसे एक एग्जांपल दिए, फिर 400 को इधर लेकर आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो इसमें क्या खासियत है कि आपको एक चीज नहीं पता है, एक ही अननोन क्वांटिटी है और वो डिपेंडेंट होगा दूसरे अननोन क्वांटिटी पर। यानी हम यहां क्या किए, लेंथ जो है वो एक्स के टर्म में ब्रेथ के टर्म में एक्सप्रेस किए, दिया हुआ था कि ब्रेथ से ये 5 ज्यादा है, तो ब्रेथ को अगर अननोन क्वांटिटी समझते हैं एक्स, तो हम लेंथ इसके टर्म में एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ओनली वन जो है अननोन क्वांटिटी रहा और फिर उसको सॉल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे और फर्दर एक्स प्लस 5 करके लेंथ का वैल्यू यानी लेंथ ब्रेथ दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का तीन तरीका है। एक जो तरीका है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, या इसको आप लोग जो आपके भाषा में बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आप लोगों ने सुना होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है, ये मेथड आप लोग पढ़ते होंगे पहले से। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा हमारा तरीका है जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ये तीन तरीका है बच्चों। इसमें से ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, इस बार सीबीएसई का जो फाइनल टर्म एग्जाम होगा टेंथ क्लास का बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में ये वाले मेथड को हटा दिया गया है। यानी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ये मेथड स्किप कर देना है। वैसे जानकारी के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन ये एग्जाम में इस मेथड से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस पर ये स्किप किया गया है। बाकी ये दोनों मेथड हम लोग को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसा होगा आखिर, सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कैसा होगा? तो जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखे थे कि इक्वेशन तैयार है उसको सॉल्व करना होता है, दो दो इक्वेशन दिया गया है, आप उसको सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और फिर एक वर्ड प्रॉब्लम भी होता था जहां आप क्वेश्चंस को पढ़कर समझकर इक्वेशन खुद तैयार करते थे और फिर उसको सॉल्व करते थे। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम भी होंगे और तैयार क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको मिलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करके वेरिएबल का एक्स का वाई का या किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। और दूसरा रहेगा वही वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, आप उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, पढ़कर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करेंगे और फिर उसको किसी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई का वेरिएबल का अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है थोड़ा ये हम लोग जानते हैं और उसमें डिस्क्रिमिनेंट की भी बात करते हैं, आइए देखते हैं। उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में बच्चों ये बताएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप इसको अच्छे से समझिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके भी नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। आज इंट्रोडक्शन चल रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये समझते हैं और इससे रिलेटेड चीजें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है किसके हेल्प से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई 2a, ये फॉर्मूला है। अब ये बात यहां आ रही है प्लस माइनस क्यों, देखिए एक चीज बताना मैं भूल रहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का दो दो वैल्यू आएगा, एक दो दो वैल्यू आएगा क्योंकि x पर पावर 2 है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जब x स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा रहता है 4 तो आप x का वैल्यू क्या लिखते हैं, 2 तो नहीं लिखते हैं, 2 होता है लेकिन सिर्फ 2 लिखना सही है क्या, नहीं ना, क्योंकि x का वैल्यू प्लस माइनस 2 होता है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला पर आने से पहले थोड़ा इन चीज़ों को समझते हैं फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला पर आते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लिया जाए हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मतलब हो गया कि एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का मतलब दो चीजें, ये 4 या तो 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, देन यहां से हम लोग बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 2, लेकिन बात तो यह भी है ना कि ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी हो सकता है क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में आएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 होता है। तो माइनस 2 का स्क्वायर जब 4 समझ रहे हैं
तो यहाँ x का वैल्यू आप जब फाइंड करेंगे तो -2 आना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जो यहाँ x का वैल्यू -2 लिख रहे हैं या आप सिर्फ +2 लिख रहे हैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर सकता, 2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है। इसलिए हम लोग ऐसे कंडीशन में +-2 लिखते हैं या +2 लिख दे और फिर -2, ये दोनों लिख दें। कब? जब ये एक्स स्क्वायर में रहे। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 है और जब आप एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे किसी भी मेथड से तो एक्स का दो दो रिजल्ट आएगा। ये दोनों बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन दो आंसर आना ही आना है। ये बात ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा दो वैल्यू आएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहेगा, एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो ये ध्यान में रखना है कि जो माइनस, अगर एक प्लस और एक माइनस में आंसर आ रहा है तो हमारा माइनस वाला आंसर नहीं होगा, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि किसी का एज माइनस में तो नहीं हो सकता, कोई लेंथ माइनस में तो नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में हम लोग माइनस वाले को कैंसिल करके प्लस वाले से आगे काम करेंगे, वैसा क्वेश्चन हम दिखाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग बच्चों एक काम और कर लेते हैं, तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर जाएंगे। जब डीपली नॉलेज ले ही रहे हैं तो ग्राफ को कैसे छोड़ सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाकर दिखाए थे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप निकालने चले हैं, हमारा वैल्यू एक्स है, तो हमारा ग्राफ जो होगा इस तरह से कर्व मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ जो हमारा आएगा, ऐसा कर्व मिलेगा और वो एक्स को दो जगहों पर, दो पॉइंट पर कट करेगा, और ये दोनों पॉइंट जो हैं, दोनों पॉइंट का जो वैल्यू है यही इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन है। यानी एक्स का हमारा जो दो वैल्यू आएगा वो एक यहाँ का वैल्यू होगा और वो यहाँ का वैल्यू होगा, यानी दो जगहों को ये कट करेगा ही करेगा। अगर ये इक्वेशन हमारा वाई वेरिएबल में रहता तो ये वाई वाले एक्सिस को दो जगह कट करता। तो लीनियर इक्वेशन में आप क्या देखे थे, लीनियर इक्वेशन में हम देखे थे कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा था इक्वेशन से ग्राफ खींचने पर, और लेकिन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, एक कर्व मिलेगा जो एक एक्सिस को, दिए गए वेरिएबल वाले एक्सिस को, जैसे एक्स है तो एक्स वाले एक्सिस को दो जगहों पर कट करेगा और यही दो पॉइंट का वैल्यू हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है। चलिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर फिर से प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ये। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। इसी को हम प्लस माइनस को अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारा जो दो सॉल्यूशन होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और एक सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस के साथ चलेंगे, अभी प्लस लेकर चले हैं तो एक में माइनस लेकर चलेंगे, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। हमारा दो ये सॉल्यूशन है, एक्स का दो दो जो वैल्यू आएगा ये दोनों हमारा वैल्यू आएगा। यानी आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे और आपको उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है तो इन दोनों जगहों पर आप बी ए सी इन चीज़ों का वैल्यू, बी ए सी ए इनका वैल्यू आप रखेंगे तो आपको दो आंसर मिलेगा, यानी एक्स का दो दो वैल्यू पता डायरेक्टली चल सकता है। ये हमारा है। अब हम बात करेंगे कि भाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स, इसको रूट्स भी बोलते हैं। जो सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको रूट्स भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये हम लोग पढ़े थे
कि दो रूट्स होता था, एक अल्फा और एक बीटा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, जो दो आंसर होते हैं, उनको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं और उनको अल्फा बीटा बोलते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप चाहे तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाइए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी का तो वैल्यू पता होगा, यहाँ पर उनका वैल्यू रखिए और आप दो दो आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल से डी से दिखाते हैं और डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारा वैल्यू है। यानी कि जहां हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखे थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ही डिस्क्रिमिनेंट यानी डी कहलाता है। आप या तो यहाँ डी लिख दें या तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिख दें। वहाँ डी इसलिए मैंने लिख रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पहले से पढ़े नहीं थे, तो आप पढ़ने के बाद यहाँ डायरेक्टली डी भी लिख सकते हैं और पहले इसका वैल्यू निकाल लें डी का और डायरेक्टली यहाँ पर डी लिख कर उसका वैल्यू रख देंगे तो भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो डी करता क्या काम है, इसका क्या उपयोग है? देखिए, जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकाल लेते हैं तो आप उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर पहले ही जान सकते हैं, सॉल्यूशन कैसा होगा, निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और इस बार तो सीबीएसई के फाइनल टर्म में जो एग्जाम हो रहा है उससे डिस्क्रिमिनेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन बी स्क्वायर माइनस फोर इसी निकाल कर पूछता है भाई कि के का वैल्यू निकालिए जब इक्वल रूट्स हो। तो आगे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिलहाल थोड़ा यहाँ समझते हैं कि क्या इसका यूज है। पहला बात, जब आप ये सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, ये डी पहले ही बता देगा आपको कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं उसका नेचर कैसा होगा, सॉल्व होगा या नहीं होगा। होगा तो जो दोनों रूट्स या दो एक्स के जो दोनों सॉल्यूशन दो वैल्यू आएंगे वो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे, ये सारी बातें पता चलती हैं। तो देखिए, जब डी का वैल्यू, पहला कंडीशन, आप जब डी का वैल्यू निकाल रहे हैं इस फॉर्मूला से और वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारा रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, जो दो दो वैल्यू ऑफ एक्स आएंगे उनको रूट्स बोल रहे हैं। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट होंगे या अनइक्वल होंगे, जो भी कह लीजिए। दो रूट्स जो निकलेंगे वो रियल होंगे और दोनों अलग अलग वैल्यू होगा एक्स का। दूसरा कंडीशन, डी जब जीरो के इक्वल हो जाए। पहले कंडीशन में क्या था, डी जीरो से बड़ा हो, दैट मीन्स प्लस में अगर आंसर आएगा डी का तो उसमें रूट्स जो हमारे रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, अनलाइक होंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कहता है, जब जीरो के बराबर हो जाए, यानी ये जो हमारा फॉर्मूला था x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, इसके जगह पर जब जीरो हो जाए, यही d है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, d था, ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जीरो, ये सारा खत्म, एक ही चीज बचेगा माइनस बी बाई टू ए, यानी एक ही सॉल्यूशन आएगा। दैट मीन्स x का जो दो दो आंसर आएगा वो दोनों आंसर सेम होंगे। तो इसमें क्या होगा, रूट्स जो हमारे होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल भी होंगे। और तीसरा कंडीशन, जब d का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा तो रूट्स हमारे ऐसे में रियल ही नहीं रहेंगे, और रियल नहीं रहेंगे तो फिर आगे सॉल्यूशन उनका नहीं पढ़ना है, फिलहाल टेंथ क्लास तक तो नहीं पढ़ना है। तो ये हमारा d का वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप दिए गए इक्वेशन में ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, पहली बात।
दूसरा बात, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप बताइए किसका सॉल्यूशन कैसा होगा, रूट्स कैसे होंगे। तो आप वहाँ से डी निकालकर आप उसका रूट्स बता सकते हैं, या क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स रियल हों तो फिर इसका आप सॉल्यूशन निकालिए। तो उसमें भी पहले हमें डी निकालना होगा, डी का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, यही दो कंडीशन, यानी डी का वैल्यू या तो जीरो आ जाए या तो पॉजिटिव नंबर आए, तब ही रूट्स हमारा क्या होंगे, रियल होंगे, दो ही कंडीशन में। और जब रियल होंगे तब हम उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर लें, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर लें, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। ये हमारा डी का यहाँ रोल है बच्चों, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको अपने इस वीडियो में दिया। अगले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करके देखेंगे। वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने पहले बोला कि इस बार फाइनल टर्म में सीबीएसई में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्किप किया गया, फिर भी एक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, और जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है उसको पढ़कर इक्वेशन बनाना और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना भी हम लोग आगे के वीडियो में सीखेंगे। ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन जो होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है ज़्यादातर बच्चे और स्कूल फॉलो कर रहे हैं। तो हम आगे के वीडियो में कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपको इक्वेशन का सॉल्व करके दिखाएं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, और वर्ड प्रॉब्लम के बारे में भी हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे। एक वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन इस बार फाइनल सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में रह ही रहा है, और एक तैयार आपको इक्वेशन मिल रहा है, वो भी अलजेब्रिक इक्वेशन रह रहा है ए बी सी के टर्म में, उसको सॉल्व करने के लिए पूछ रहा है। और दूसरा एक डिस्क्रिमिनेंट वाला, ये कि के का वैल्यू आप फाइंड कीजिए जब रूट्स जो हों क्या हों, इक्वल हों। दैट मीन्स डी का वैल्यू अभी हमने बताया जीरो हो तब के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये तीन क्वेश्चंस एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, तो इन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, आगे के वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना रहने दिया जाए, आप सभी को धन्यवाद, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।